आज है डे टू और आज मैं अपनी इस ये बाइक को सोच रहा हूँ कि कुछ सर्विस वगैरह करा लूँ, कि मोबिल वगैरह से ये सब इंजन ऑयल वगैरह ये सब चेंज करवा लेते हैं। हो सके तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्लच प्लेट वगैरह भी चेंज करवा लूँ, क्योंकि क्लच प्लेट नया रहता है तो बेटर रहता है, गाड़ी के माइलेज और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो मेरा पुराना वाला घर है उसी में मेरा रेंटर है मिस्टर जाहिद, उनको एक बार चल के बाइक दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर है तो उसकी सारी मेंटेनेंस करवा लेते हैं ताकि बाइक एक बार रेडी हो जाए लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। क्या लगेगा बताइए, देख लीजिए ना। अरे आप बताइए ना, हम ऐसे ही ले आएंगे, रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं ना, फोन कर लीजिए। सबसे अच्छा जहाँ आप बोलते जाइए ना, क्या क्या लगेगा, क्लच प्लेट, हाँ, क्लच सेंटर, क्लच हब, प्रेशर प्लेट, क्लच पैकिंग, हाँ, मोबिल फिल्टर, इतना सामान लेकर आना है ना। यामाहा का अगर मोबिल मिल जाएगा तो मोबिल ले लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आ गया हूँ मैं यामाहा के शोरूम में। जैसे आप देख सकते हैं इतनी सारी बाइकें लगी हुई हैं यामाहा की, क्या बात है। और यहाँ पर ये मेरी जो मैंने पार्ट्स अभी परचेस किया, ये पैकिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है जाहिद जी जो मेरी गाड़ी बना रहे हैं। मेरे गाड़ी का क्लच प्लेट शायद जला हुआ है लगता है ऐसा। कि जाहिद जी एक बार हाय कीजिएगा। जाहिद जी बचपन से मेरी गाड़ी बना रहे हैं, जब मैं पहले भी जाया करता था दार्जिलिंग गैंगटॉक वगैरह, तो जाहिद जी हमको पूरा गाड़ी फिट वगैरह करके देते थे और मैं अपने RX 100 से भी दार्जिलिंग भूटान सारा जगह घूमकर आ जाता था। तो अभी इन्होंने गाड़ी चलाई तो इन्होंने जैसा कि बताया कि गाड़ी में थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम है, क्लच चेंज ही करवा लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो क्लच चेंज करवा रहा हूँ मैं। लोकल क्लच डाले हुए थे ना, तब तो अच्छा हुआ चेंज कर दिए। अभी नया डाला है ना, डाल दिया। ये नया प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट लग गया। ये सारा सामान यामाहा का अभी मैंने परचेस किया है, ये सारा मैंने अभी यामाहा से पार्ट परचेस किया। ये वो चीज़ नहीं लाया ना, टोटल इतना का मेरे को पड़ गया है। स्टार्ट करके देखते हैं।